स्थिति है और कहाँ जाना जाना नहीं जाना, इसलिए इसका नाम ब्रज। ब्रज मतलब क्या, ये संस्कृत शब्द है। ब्रज मतलब गतो, ब्रज मतलब चलती, जो चलती रहती है। ये लोग ग्वाला थे, जैसे पहले गोकुल में रहे, पहले तो रहते थे नंदगांव में। वहाँ पर जब दैत्य का उत्पात होने लग गया है, दैत्य को कैसी दैत्य का उत्पात होगा, तो वहाँ छोड़कर गोकुल चले गए। गोकुल में जब वहाँ उत्पात हुआ, फिर आगे छठीगढ़ में वृंदावन, वहाँ जब आए फिर राल चले गए, राल से फिर चले गए कोसी, फिर कोसी से चले गए नंदगांव। इसलिए यहाँ पर बैठी करके आपस में चर्चा करते थे, अभी कहाँ जाना नहीं जाना। और इनकी जितने चर्चा की जो मूल उद्देश्य होता था, कृष्ण कैसे सुखी रहे, क्योंकि ये ब्रजवासी लोग हैं। ये ब्रजवासी मतलब किसको कहते हैं, केवल ब्रज में जन्म हो जाने पर किसको ब्रजवासी नहीं कहते हैं। ब्रजवासी उसे कहते हैं जिनके हृदय में कृष्ण का प्रति स्वाभाविक रूप में जिनका अनुराग है। कृष्ण का सुख में जो सुखी और कृष्ण का दुख में जो दुखी है, ये ब्रजवासी। केवल ब्रज में जन्म लेना ये सब कोई बात नहीं। इसलिए अगर हम भले ही कहीं दूर देश में रह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में कृष्ण का प्रति प्रेम है, कृष्ण का प्रति भक्ति है, हम असली ब्रजवासी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। मतलब क्या है, अगर हमारे घर में ठाकुर की सेवा पूजा भक्ति ठाकुर की प्रति प्रेम अगर हम हो, आप वही पर ब्रजवासी हो, वही तुम्हारे घर ही वृंदावन है, तुम्हारे घर ही वृंदावन। लेकिन रहते हैं वृंदावन, चोरी गुंडा गिरदी बदमाशी शराब पीना जुआ खेलना कर रहे, वो ब्रजवासा नहीं। ब्रजवासी हुए हैं नंद बाबा जी के अंदर में कृष्ण के प्रति जो स्वभाव की जो अनुराग है, अगर ये अनुराग इसके अंदर में हो, कहते वही असली ब्रजवासी। इसलिए यहाँ पर बैठ बैठ कर किस समय, जिस समय कृष्ण गोकुल में, जिस समय कृष्ण रहते थे, जब जमलार्जुन भजन हुआ, इतने में सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, बोले बैठ कर बोले और नहीं रहे यहाँ। बोले क्यों, पहले तो ये पुतना आ गई, सकटासुर आ गए, तृणावर्ता आ गए, अभी यहाँ का पेड़ भी अपने आप टूट करके लाला कब्र गिरने लगे। लगता है कि जो गोकुल है ना, ये हमारे रहने का लायक नहीं रहे। चलो फिर और कहीं चले जाते हैं, और कहीं चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जिस समय कृष्ण गिरिराज को धारण किया, सारे ब्रजवासी यहीं पर इकट्ठे हुए, बैठे बैठ करके बोले नंद को जशोदा को अच्छे तरह से समझा। बोले क्यों, बोले अभी तक कृष्ण को भगवान मान लो, अभी तक छोटे मोटे कोई काम करता था तुम लोग उड़ा देते थे है? लेकिन अभी देखा 7 दिन तक 7 क्रोश गिरिराज है, और 7 साल का बालों के भी गिरिराज उठा सकता है, उठा सकता है। देख अब लोग अपना आंखों में देखो कि नहीं, इसलिए और अगर कभी कन्हैया थोड़ी सी अगर मक्खन कहीं अगर थोड़ी सी चोरी करके खा लिया ना, मैया तो सीधा कान पकड़ती है, बोले लाला तेने मक्खन खाई, तेने मक्खन खाई है। और कृष्ण डर से बोल देते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मोये पटायो, चार प्रहर बंसी बट भटको सांझ पड़ घरे आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण डर से ये बोल देते थे हैं मक्खन। कभी अगर मिट्टी खा लिए मैया, बोले कन्हैया तेने मिट्टी खाई, बोले मैया मैंने मिट्टी खाई नहीं, बोले सखा जो लोग घरे, बोले मैया कहाँ भयो तेरे को बताओ ये, बोले कहाँ भयो, बोले सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ और बढ़िया बढ़िया मिठाई चोरी चोरी करके हाथ लाते हैं, मैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज़ खाता ही नहीं, और ये मेरे को जोर जबरदस्ती करते तू इसको खा ले हैं, अरे मैंने खाया नहीं, समझ गए भैया चुगली कर देगा, ये तो खाया नहीं, हमारे घर में चुगली कर देगा, और मैंने चुगली करने से पहले हमारे नापनी इसने चुगली कर दी हैं। इसलिए ये सखाओं ने चुगली कर दी, और इनकी बात पर बड़ी विश्वास है, मेरी बात पर तेरे विश्वास है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर नंद बाबा को जो बोले, अब तो समझ लो तो कृष्ण भगवान है, इतने में नंद बाबा तो जोर जोर से ठा लगा करके हा 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 करते बड़े जोर जोर से, बोले देखो ऐसे क्या बोलते हैं, ग्वाला का 80 वर्ष में उनकी अकल की दांत निकलता है, 80 वर्ष में उनकी अकल का दांत निकलता है। देखो अभी तो मेरे लाला इनको विपत्ति से उबारा दिया, अभी मेरे लाला के ऊपर विपत्ति आ गई, ये कह रहे मेरा लाला भगवान, मेरे लाला भगवान। बोले ब्रज में अगर कृष्ण को कोई भगवान बोल दिया ना, इसका मतलब ब्रजवास ऊपर विपत्ति है, क्योंकि कृष्ण के प्रति स्वाभाविक इनका अनुराग है, मेरे लाला है, ये हमारे लाला है, ये हमारे सखा है, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे प्रियतम। यहाँ पर कृष्ण को कोई भी भगवान मानने के लिए तैयारी नहीं,
भगवान मान तो प्रेम ही नहीं रहेगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। इसलिए बोले मेरे लाला तो इनको विपत्ति से उबारा, हमारे लाला को ऊपर विपत्ति आ गई। बोले तुम लोग क्या बताइए, घर में कितने जा तो क्या नजर करता है, अगर रोटी मक्खन में थोड़ी सी अगर लेट हो जाए ना, ये सारे मटकी फटकी को फोड़ फाड़ देता है घर में। और इतने झूठ बोलता है ना, आप सोच नहीं सकते। पूरा का पूरा तो मक्खन का मक्खन खा लिया। मैया बोले लाला तेने मक्खन खाई, सीधा बोल दिया मैया मैंने मैंने मक्खन नहीं खाया, मिट्टी को पूरा का पूरा घटे घटे कर मिट्टी खा लिया। मैया बोले मिट्टी खाई, कृष्ण सीधा बोल दिया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये है ना, ब्रजवासियों घर में मक्खन चोरी करने जाते हैं, जिसको घर में मक्खन मिला तो मिला, जिसको घर नहीं मिला ना उसको घर में टाटी पेशाब करके आ जाता है उसके घर में। और ये इतने झूठ बात बोलता है, तुमको क्या पता ये घर में कितने नटखट मटकी पटकी फोड़ फाड़ देता है, तुम्हें क्या पता है। हाँ देखो, ये जो कभी कभी दिखता है कोई आश्चर्य काम करता है कैसे, बोले भैया मेरे बात तो मानोगे नहीं, लेकिन गंगाचार्य की बात तो मानोगे ना। उन्होंने पूरा पूरा चार्ट को लेकर के आए, कृष्ण का नामकरण करते समय गर्गाचार्य ने क्या क्या बताया पूरा चार्ट में पढ़ो, मेरे को विश्वास नहीं, पढ़ लो खुद पढ़ लो क्या लिखा। कहते यहाँ पर लिखा हुआ नारायण समगुणई। गर्गाचार्य ने कहा देखो तेरे जो बालक है ना, कभी कभी बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम कर लेगा, क्योंकि नारायण समगुणई, कभी कभी नारायण का कुछ कुछ गुण इसमें प्रकाशित होगा। ये मैंने ये गर्गाचार्य खुद बोले, कभी कभी तेरे जो बालक है ना अद्भुत अद्भुत कभी कभी काम तेरा लाला करेगा। देखो ये गर्गाचार्य खुद बोले, इसलिए मेरे लाला कभी गिरिराज उठा सकता है, हैं? अगर लाला को बोलता लाला थोड़ी पीढ़ी ले आ, लाला तो उठते गिरते जाते हैं, और पीढ़ी को उठते गिरते बड़े कष्ट से उठा करके ले कर आते हैं, और इतने बड़े गिरिराज को लाला कहीं से उठाए है। लगता है कभी कभी नारायण है ना, कभी कभी मेरे लाला को अंदर में प्रवेश करके कभी कभी अद्भुत काम कभी कर देता है, नारायण करता है, नारायण कृपा से ये सब काम है रहे, थोड़ी लाला हमारी कर सकता है। इसलिए यहीं पर बैठ करके सब चर्चा होती थी। जब राधा कृष्ण की शादी की बात हो गई है, अभी श्री वृषभानंद महाराज नंद बाबा ने तय कर लिया अभी तुम्हारा लाला हमारे लाली से शादी हो जाएगी। पौर्णवासी को पास में गए, गए तो पौर्णवासी देखा तो गड़बड़ी हो जाएगी, शादी हो गया तो पर क्या रस मिलने का जो उत्कट खत्म हो जाएगा, वो नित्य गोलोक वृंदावन से लीला कर ही रहे हैं। इसलिए पर उन्होंने बैठ करके फिर चर्चा की, और जो कुछ काम करते थे पौर्णवासी को पूछ करके, पौर्णवासी ने कहा सावधान, ये जो लड़की है ना ये मांगली है, अगर इसको साथ में शादी करोगे जिंदगी भर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, घर में इनका शांति सुख मिले घर में नहीं रहेगी, इसलिए बेटी से मांगली इसको साथ में शादी मत करो। बोले भैया आप फिर शादी कहाँ करे, बोले जावट में एक अभिमनु नाम का है, आयन घोषा नाम का एक लड़का है, अभी धनी घर का है और बड़े उच्च कुल के भी है, अगर आप अपना बेटी को वहीं पर शादी कराओगे ना बेटी सुख साथ ही रहेगी। तो फिर उन्होंने बोले ठीक है, पौर्णवासी हम बात सुन लेते हैं, फिर कहाँ राधा कृष्ण की शादी नहीं कराए। जब राधा रानी को ये बात पता चला, कृष्ण राधा रानी बोले श्याम सुंदर मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी शादी तुमसे नहीं, ये आयना घोष और आयना घोष को साथ में होगी, अभिमन्यु को साथ में। फिर कृष्ण ने कहा हे राधे हम तो गोलोक वृंदावन में नित्य लीला कर ही रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर हमारे शादी हो जाएगी ना सखिया हो जाएगा, हाँ फिर मिलने का प्रेम उत्कंठा नहीं रहेगी। इसलिए वो जो आयना घोष से बताया ना वो और कोई नहीं, मैं हूँ, मैं ही एक रूप उस धारण किया हूँ, वो और कोई नहीं है, हैं? और वो नपुंसक रूप में है, जब शादी होगा तब से नपुंसक तो प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ऊपर से केवल शादी होगी लेकिन हम दोनों हम लोग मिलते रहेंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए यहाँ पर बैठी करके ब्रज में कैसे अच्छा होगा नहीं होगा, यहाँ से कहाँ जाना नहीं जाना, लाला की क्या स्थिति है, जो कुछ यहाँ चर्चा होती थी कृष्ण को ही लेकर के सारी चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि ये सब के सब ब्रज वासी जिनके कड़े कड़े में कृष्ण बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर एक बैठान नहीं, यहाँ पर बहुत सारे बैठान हैं, नंदगांव में बैठान, यहाँ भी बैठान, बहुत सारी जगह पर बैठ करके चर्चा करते थे, इसलिए इसका नाम है बैठा गौर प्रेमानंद। चरण घट जाओ 10 मिनट, चलो चलो जल चल चरण पाड़ी कितनी दूर है, 1 किलोमीटर। जय हो बाबा की।
वीडियो चल रहा है, वीडियो।